सिटी ऑफ दोसा। राजस्थान की कैपिटल सिटी जयपुर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर बसा दोसा शहर, जो पूरे विश्व भर में जाना जाता है अपने बेहतरीन क्वालिटी की खादी, हेमेटाइट और पीतल जैसे डिमांडेड मिनरल्स के लिए। और फ्रेंड्स, क्या आपको पता है राजस्थान की सबसे पुरानी बावड़ी दोसा जिले के आबादेरी में स्थित है। इतना ही नहीं, राजस्थान का सबसे हाईएस्ट एनिमल्स डेंसिटी वाला डिस्ट्रिक्ट भी दोसा ही है। वेल फ्रेंड्स, यहाँ पर स्थित है मेहंदीपुर बालाजी का टेम्पल, जो पूरे भारत भर में भूत प्रेत भगाने के लिए प्रसिद्ध है। फैक्ट तो ये भी है कि राजस्थान में पहली बार ट्रेन दोसा डिस्ट्रिक्ट के बांदीकुई से आगरा तक चली थी। वेल फ्रेंड्स, इसी दोसा में स्थित है वह पवित्र स्थान जहाँ पर मेवाड़ के महाराणा सांगा के मृत्यु के प्रमाण मिले हैं। तो चलिए फिर आज दोसा को करते हैं एक्सप्लोर और जानते हैं इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट और हिडन इन्फॉर्मेशन। ईस्टर्न पार्ट में 3,432 स्क्वायर किलोमीटर में फैला दोसा डिस्ट्रिक्ट 1991 से पहले जयपुर जिले का हिस्सा था, लेकिन 10 अप्रैल 1991 को जयपुर जिले की 4 तहसील सिकराय, बसवा, लालसिट और दोसा को मिलाकर इसे राजस्थान का 29वां डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, जो उस समय राजस्थान का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट था। लेकिन 15 अगस्त 1992 को जब सवाई माधोपुर की महुआ तहसील को दोसा डिस्ट्रिक्ट में मिलाया गया, तब ये धौलपुर के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट बना। वही अगर मैं बात करूं दोसा के इतिहास की, तो 11वीं सदी के अंत तक दोसा पर बड़गुजरों का शासन था, लेकिन जल्द ही कछवा वंश के राजा दुहले राज ने बड़गुजरों को हराकर दोसा को अपनी पहली राजधानी बनाया। उसके बाद में दोसा राज्य मुगल साम्राज्य के अधीन रहा। दोसा का पुराना नाम देवनगरी अथवा देव्यांश था, जो कि यहाँ की प्रसिद्ध पहाड़ी के नाम पर रखा गया था। आपको बता दूं कि दोसा का संस्कृत में नाम डो प्लस सा है, जिसका अर्थ होता है सुंदर जैसे स्वर्ग। 2011 की सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दोसा डिस्ट्रिक्ट की टोटल पॉपुलेशन है 16,34,409, जो दोसा को बनाता है हनुमानगढ़ के बाद राजस्थान का 20वां सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट। यहाँ की 97% आबादी हिंदू रिलीजन की, जबकि 2% मुस्लिम और 1% अदर रिलीजन की है। दोसा जिले की सर्वाधिक पॉपुलेशन गुर्जर, मीणा और जाट है। यहाँ पर सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है डुंडाड़ी, मेवाती और हिंदी। दोसा डिस्ट्रिक्ट का हेलाख्याल दंगल पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, जो ढोल और नगाड़े की मधुर गायन पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस दंगल की परंपरा आज से तकरीबन 500 साल पहले से चली आ रही है। मजे की बात तो यह है कि स्वतंत्रता के बाद लाल किले पर फहराया गया पहला तिरंगा भी दोसा के आलूदा गांव की प्रसिद्ध खादी से ही बनाया गया था। तो चलिए बात करते हैं दोसा की कुछ इम्पोर्टेंट रिवर्स की, जिसकी वजह से दोसा में पानी की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। यहाँ की पहली रिवर है मोरेल नदी, जो कि जयपुर के चैनपुरा की पहाड़ियों से निकलकर दोसा डिस्ट्रिक्ट से होते हुए बनास रिवर में मिल जाती है। वही दूसरी है बाणगंगा नदी, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। ये नदी जयपुर के बैराट पहाड़ियों से निकलकर दोसा और भरतपुर जिले से होते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। दोसा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है मक्का, बाजरा, सरसों, गेहूं और ज्वार। वही अगर मैं बात करूं यहाँ के कुछ इंपोर्टेंट मजदूर मिनरल्स की, तो वह है लोहा, पीतल और यूरेनियम। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में अलवर, सवाई माधोपुर और दोसा में यूरेनियम के बहुत बड़ी मात्रा में भंडार मिले हैं। यूरेनियम का उपयोग मुख्य रूप से परमाणु बम और मिसाइल के गोले बनाने के लिए किया जाता है। मजे की बात तो यह है कि राजस्थान की पहली ट्रेन 1874 में दोसा जिले के बांदीकुई से उत्तर प्रदेश के आगरा तक चली थी, जो एक मालगाड़ी थी। वेल फ्रेंड्स, दोसा के व्हीकल्स को रजिस्ट्रेशन किया जाता है RJ29 RTO नंबर से। बात करूं दोसा डिस्ट्रिक्ट के कुछ नोटेबल पीपल की, तो वे हैं कवि सुंदरदास, जिनका जन्म 1596 में दोसा में हुआ था। इन्होंने 48 पुस्तकों की रचना की है, जिसकी वजह से इन्हें हिंदी जगत का शंकराचार्य भी कहा जाता है। 1997 में भारतीय डाक द्वारा इनकी फोटो वाली टिकट भी जारी की गई थी। दूसरे हैं टीकाराम पालीवाल, जिनका जन्म 99 में दोसा के महुआ तहसील में हुआ था। ये राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। बसवा दोसा डिस्ट्रिक्ट का एक ऐसा शहर है, जो पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है अपने शानदार डिजाइन वाले मिट्टी के बर्तनों के लिए। इसके अलावा यहाँ का एक और गांव है बालेड़ी, जो पूरे विश्व भर में जाना जाता है अपने बेहतरीन क्वालिटी के पीतल से बने हुए बर्तनों के लिए। यकीन कीजिए दोस्तों, यहाँ पर बनाए गए बर्तन आउट ऑफ राजस्थान में भी एक्सपोर्ट होते हैं। वेल फ्रेंड्स, वीडियो में बढ़ते हैं।